जनरल पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इडिमा। इडिमा बहुत सिंपल तुम्हें लगता है लेकिन वाकई टफ चीज है, समझने वाली चीज है। आज के बाद तुम कुछ चीजें बहुत अच्छा समझोगी, लगभग जीआर के बराबर। ठीक है, तो इडिमा होता क्या, एक्सेस फ्लूड कलेक्शन। ठीक है, एक्सेस फ्लूड कलेक्शन कहाँ पे, एक्स्ट्रा वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसर के बाहर, ब्लड वेसर के बाहर। दूसरी चीज है इंटरस्टीशियल स्पेस, तो कहां कहां, दो जगह। ठीक है, एक्सेस फ्लूड कलेक्शन एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस और इंटरस्टीशियल स्पेस में, उसको बोलते हैं इडिमा। ठीक है, अब ध्यान देना, इडिमा के मेजर तीन टाइप के इडिमा होते, कितने टाइप के, तीन टाइप के। ठीक है, एक होता है पेरिफेरल इडिमा, दूसरा होता है पल्मोनरी इडिमा, बहुत सुने होगा, तीसरा एक सुने होगा सेरेब्रल इडिमा। ठीक है, तो जो पेरिफेरल इडिमा होता है उसके भी दो सब टाइप होते हैं। अब ये देखो, लोकलाइज भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, लोकलाइज जनरलाइज। लोकलाइज के चार काज होते हैं, जनरलाइज के चार। पहला ट्रामा, ट्रामा के कारण उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई, मान लो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हुई डीप काफ मसल, तो इसके नीचे ही तो रहेगा इडिमा। ठीक है, लोकलाइज है। दूसरा चीज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस पेशेंट देखे हो जहाँ पे सेलुलाइटिस तगड़ा इडिमा हुआ होता है पेनफुल। ठीक है, तो क्या होगा इन्फेक्शन का एग्जाम्पल, सेलुलाइटिस लोकलाइज। तीसरा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, पैदा होते ही पड़ते आ रहे हो, फाइलेरियसिस। ठीक है, एलिफेंटियसिस। फाइलेरियसिस में क्या आता है, मान लो यहाँ का ब्लड तो क्या होता है पूरा पाँव एकदम सूज जाए, एक पाँव में होता है ना, दोनों पाँव में ना, जिस साइड का होता है एक ही साइड में, देखो तो किसका एग्जाम्पल है, लोकलाइज पेरिफेरल इडिमा। पेरिफेरल मतलब जो एक किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तीसरा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन थ्रोम्बोसिस, मान लो यहाँ पे एक वेन था, इसका थ्रोम्बोसिस होगा तो इडिमा कहाँ होगा, इधर ही होगा, इस पैर में थ्रोम्बोसिस होगा, इडिमा इधर होगा, इस पैर में होगा। तो क्या हुआ, लोकलाइज इडिमा के चार एग्जाम्पल, एक ट्रामा के कारण डीबीटी, इन्फेक्शन का सेलुलाइटिस, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन फाइलेरियसिस, और वीनस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब जनरलाइज इडिमा, जनरलाइज इडिमा सिस्टमिक के कारण होता है, कोई भी सिस्टम। हमारे पास तीन सिस्टम इंपॉर्टेंट थे, सबसे ऊपर कार्डियक, हेपेटिक, इधर चले जाओ दोनों साइड होता नीचे आर्डर में, रीनल। ठीक है, उसके अलावा एक एनीमिया, एनीमिया में एक्चुअली होता वो है लेकिन बहुत ज्यादा एनीमिया तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो कायदे से एनीमिया इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, एक होता है बेट बेरी बेरी, मैंने बताया था बेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी, ड्राई बेरी बेरी में सीनियर सिम्टम होते हैं, बेट बेरी में उसमें भी लोकलाइज इडिमा मिलेगा। बहुत सारे में हो सकता है लोकलाइज है, जैसे एनीमिया शुरू में लोकलाइज होगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा तो जनरलाइज भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल सीबीएस के कारण, मतलब सीएचएफ। ठीक है, हिपैटिक मतलब हिपैटिक फेल्योर में मिला। ठीक है, एल्बुमिन कम होगा तो, नेफ्रोटिक मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्बुमिन कम होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज है पल्मोनरी इडिमा, सबसे जानलेवा इडिमा। अगर किसी को पल्मोनरी इडिमा होगा 50% से लंग ज्यादा भर गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। ठीक है, नामुमकिन वैसे बोले थे, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूड्स, बहुत मुश्किल है। क्या बोला, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं बोलना है, दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। मैंने बताया आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को मैंने तोड़ के बताया था आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आई एम पॉसिबल, लेकिन तुम लोग फिर भी बोल देते हो डान को पकड़ना है मुश्किल ही नहीं, डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, पानी लाओ डूब के मर जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर बोल दिए नामुमकिन है। इतना देर बताने के बावजूद डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, नामुमकिन है, कोई चीज नामुमकिन है। ठीक है, समझो। तो अब देखो, पेरिफेरल इडिमा का जो कारण है उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी इडिमा के लिए फ्लोसामाइड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, फ्लोसामाइड लूप डायुरेटिक, फ्लोसामाइड। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाली बात है सेरेब्रल इडिमा, जिसको बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सेरेब्रल इडिमा तीन टाइप की होती है, इसको समझो बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है वैसोजेनिक, दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी, ठीक है इन्फ्लामेटरी, तीसरा होता इंटरस्टीशियल। इंटरस्टीशियल क्या हुआ, वैसोजेनिक, इन्फ्लामेटरी और इंटरस्टीशियल। ठीक है, तो समझो इसी, जो वैसोजेनिक इडिमा होता है वो ब्लड वेन बैरियर के डैमेज के कारण होता है। क्या हुआ, जो ब्लड वेन बैरियर, कोई इन्फेक्शन हुआ,
मेनजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, जिसके कारण ब्लड ब्रेन बैरियर जो था डैमेज हो गया, जिसके कारण इडिमा हुआ। ठीक है, इस इडिमा के लिए जो ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फ्रूसामाइड होता है। क्या होता है? फ्रूसामाइड। ठीक है, दूसरा जो इन्फ्लामेटरी इडिमा होता है, इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज नहीं होता, इंटैक्ट होता है। इसमें एक चैनल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, वो पंप क्या करता है, 3 सोडियम अंदर 2 पोटेशियम बाहर, ये काम करता है। अगर उसका ना हो जाए तो इडिमा कराने लगता है, पाम नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाटर के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है ना, वाटर बैलेंस करता है। तो अगर ये डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टेरॉइड यूज करते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड जो यूज करते हैं इडिमा के लिए, डेक्सोना, डेक्सोमिथासोन, यहाँ पे जो डेक्सोना यूज करते हैं, ये इस इडिमा के स्टेरॉइड। ठीक है, तीसरा होता है इंटरस्टीशियल इडिमा। ये क्या होता है, यहाँ पे बैरियर डैमेज होता है, CSF जो होता है, CSF किस में, वेंट्रिकल में फ्लो होता है, वेंट्रिकल में, और ब्रेन पैरेन्काइमा। तो इसमें क्या था, वेंट्रिकल और ब्रेन पैरेन्काइमा के बीच में एक बैरियर था, वो बैरियर डैमेज होने के कारण ये इडिमा होता है। इसमें क्या होगा, इस बैरियर डैमेज होगा तो क्या, CSF जो वेंट्रिकल के अंदर चेक कर जाएगा, ब्रेन पैरेन्काइमा, और ब्रेन पैरेन्काइमा बोले तो व्हाइट मैटर, तो क्या होता है, इसमें क्या होगा, व्हाइट मैटर में चला जाएगा CSF, CSF लीक करेगा व्हाइट मैटर में, जिसके कारण जो इडिमा होता है उसको इंटरस्टीशियल इडिमा बोलते हैं। कौन सा इडिमा, इंटरस्टीशियल। इसके लिए ड्रग कौन सा देते हैं, एसिटाजोलामाइड, जिसको डायमॉक्स बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब जो बताते हैं बेसिकली होता क्या, हमारे यहाँ हम जिसे राउंड पे आएंगे, सर इसको रेजा एसिटी के साइन था, रेजा एसिटी के, ठीक है, सेरिब्रल एडिमा मिले, क्या दिए हैं सर, स्टेरॉइड दे दिए हैं, डायमॉक्स दे दिए हैं, फ्रूसामाइड। तो भाई जब तीनों देते तो झोला छाप भी कर सकता है ना ये, कहे कि आप डॉक्टर, आपको ये पता लगाना है कौन सी चीज़ है, आपको उसके अनुसार करना है ये चीज़ें। तो पहले तो बहुत सारे लोगों के क्लियर नहीं होता है, 3 तरीके एडिमा होता है, ठीक है, बस दे दो। ठीक है, अब एक चीज इसमें आया, मैनिटाल कहाँ यूज कर सकते हैं, बैसोजेनिक में मैनिटाल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैनिटाल कहाँ यूज कर रहे हैं, बैसोजेनिक एडिमा में, बैसोजेनिक एडिमा में मैनिटाल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कौन सा, ग्लिसराल कहाँ यूज कर सकते हैं, आप एक ध्यान देना, मैनिटाल और ग्लिसराल बायोसोजेनिक के साथ साथ आप इसमें इंटरस्टीशियल एडिमा। ठीक है, ग्लिसराल और ऑस्मोटिक डायुरेटिक सोचते हैं, तो इसमें बल्कि ज्यादा प्रिफर इसमें करना चाहिए। ठीक है, समझ लो, इसमें भी यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड जो काम करता है इसके लिए है, अगर वो नॉन इन्फेक्शियस एडिमा है तो स्टेरॉइड देने का मतलब नहीं, टीबी में क्यों देते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सेरेब्रल एडिमा को समझिए। ठीक है, एडिमा का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे हम, एडिमा के एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे एडिमा डेवलप होती है। तो इसके लिए 3 मैकेनिज्म है, एक तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी एक जनरल रूल होता है, दुनिया में कोई चीज भी हायर से लोअर की तरफ चलता है, चाहे एनर्जी हो, चाहे प्रेशर हो, कोई भी चीज, चाहे पैसा हो, हायर से लोअर, तो हमेशा भी कोई भी चीज दुनिया का, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, हायर से लोअर की तरफ। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब हाइड्रोस्टेटिक वाटर, अगर कहीं वाटर का प्रेशर ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो अगर कहीं पे भी वाटर का प्रेशर इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है तो क्या करेगा, इडिमा करा देगा। या दूसरा चीज है डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या एल्बुमिन क्या होता है, कोई भी चीज होगा तो जैसे एल्बुमिन है, ठीक है, पानी को खींचता है, ठीक है, खींचता है, अगर यही कम होगा तो पानी खींचेगा, नहीं खींचेगा तो पानी बाहर जाएगा। ये चूंकि रिलेटिव चीज है, एक इंट्रा सेलुलर है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, या एक इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर, अगर ब्लड वेसल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, बाहर ज्यादा, तो बाहर वाला खींचेगा पानी। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म है, समझे, तो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कि नेफ्रोटिक में होता। तीसरा है इंक्रीज वैस्कुलर प्रोबेबिलिटी, कोई ब्लड वेसल है उसकी इंजरी हो गई, डैमेज हो गई, तो उसके जो कैपिलरी के बीच में सेल्स होती हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या करो, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण लीकिंग होगा एडिमा। तो एडिमा के 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मान लो जैसे ब्लड वेसल है, ठीक है,
यहाँ पे कोई भी चीज फंस गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ अगर नहीं जा पाएगा तो ब्लड वाटर इधर इधर निकलेगा, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ये सारी चीजें। तो तीन मैकेनिज्म है, पहला इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर और इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी। मैंने इडिमा का मेजर क्लासिफिकेशन बताया था, ठीक है, पेरिफेरल इडिमा, पल्मोनरी इडिमा और सेरिब्रल इडिमा। सेरिब्रल इडिमा के मैंने तीन टाइप बताए थे, बैसोजेनिक, इन्फ्लामेटरी और इंटरस्टिशियल। बैसोजेनिक जो तुम्हारा इन्फ्लामेटरी होता है उसी को कहीं कहीं साइटोटॉक्सिक लिखा रहेगा, तो उन पे कंफ्यूज नहीं, इन्फ्लामेटरी या साइटोटॉक्सिक दोनों सेम टर्म है, कहीं कहीं वो मिलेगा। दूसरा इडिमा का जो क्लासिफिकेशन है होता है, एक होता है पिट फार्मेशन के बेस पे, ठीक है, फार्मेशन ऑफ पिट। पिट फार्मेशन के बेस पे दो तरीके का होता है, नॉन पिटिंग और पिटिंग इडिमा, पिटिंग इडिमा और नॉन पिटिंग। तो नॉन पिटिंग इडिमा के दो ही एग्जाम्पल है, याद करो, रेस्ट पिटिंग इडिमा हो जाएगा। नॉन पिटिंग का पहला एग्जाम्पल है मिक्स्ड इडिमा ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, नीट 2019 मेरे समय में पूछा गया था, ठीक है, मिक्स्ड इडिमा ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में जो इडिमा मिलता है वो नॉन पिटिंग होता है। दूसरा होता है लिम्फ इडिमा ऑफ फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस का जो लिम्फ इडिमा होता है, जो लिम्फेटिक बेसल का ऑब्स्ट्रक्शन कारण होता है, वो भी एग्जाम्पल होता है नॉन पिटिंग का। बाकी रेस्ट मैंने लिखा है रेस्ट अदर पिटिंग इडिमा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल का माहौल बनाने के लिए मैंने नेफ्रोटिक का इडिमा जो होता है सीबीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, सीएचएफ का जो इडिमा होता है पिटिंग होता है, हिपेटिक फेल्योर के कारण जो इडिमा होता है पिटिंग होता है, तो ये सारे पिटिंग इडिमा होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मैथड, इडिमा कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इडिमा कोई भी बोनी प्रोमिनेंट, इडिमा देखेंगे जहाँ कोई भी बोनी प्रोमिनेंट के नीचे देखेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा है सिन, सिन होता क्या है, जो हमारा ये बोन है ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट सिन होता है, जो बोनी ऊपर अगर यहाँ पे इडिमा है तो यहाँ हम दाब के देख सकते हैं। दूसरा होता है 5 सेंटीमीटर अबव मीडियल मेल्यूलस, ये हमारा मीडियल मेल्यूलस है, इलेटर इसके 5 टच, यहाँ पे हम दबा के देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है सैक्रम, ठीक है, सैक्रम ये है, ये वाला पार्ट जो बोन है सैक्रम बोन है, तो यहाँ पे बोनी परमानेंट है, यहाँ पे करके देख सकते हैं, ठीक है, जैसे इस बच्चे में हम मान लो देख सकते हैं। तो ये तीन जगह इडिमा हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इडिमा देखते कैसे हैं, क्या करना, तो सबसे पहले जो प्रेस करते हैं कितने, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आइडली कितना 30 सेकंड के लिए प्रेस करना चाहिए, भूलना नहीं। यहाँ पे जैसे मान लो मीडियल में 5 सेकंड के, इस पे हम 30 सेकंड के लिए प्रेस किए, आइडली 30 सेकंड, लेकिन मिनिमम कम से कम क्या है, मिनिमम कम से कम कितना, 5 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड तो करना है, आइडियली आपको अच्छे से करने के लिए 30 सेकंड, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 5 सेकंड या 30 सेकंड प्रेस करने के बाद 15 सेकंड वेट करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं ये आपको 5 to 10 सेकंड लिखा मिलेगा, तो ये और आसानी से आप 10, 15, 30, तो 15 सेकंड आप वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे वहाँ पे पिट बना है कि नहीं, ठीक है। अगर पिट बना है तो पिटिंग इडिमा, और पिट गायब हो गया तो नॉन पिटिंग इडिमा, या कहीं कहीं देखेंगे दाब के आप दाब ही नहीं पाएंगे इडिमा, वो पिट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कितने देर तक, आइडियली 30 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड, 15 सेकंड तक वेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये बच्ची है, इस टाइम मीडियल वेल्यूलस है, यहाँ पे मान लो इडिमा होता तो मैंने दबा के रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 सेकंड मैंने मिनिमम मैंने किया 5, और नहीं तो 30 सेकंड, उसके बाद देखेंगे। अब इसको इडिमा नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट मेथड इम्पोर्टेंट है, कैसे देखेंगे, ठीक है, देखने का तरीका। अब इसको पिटिंग इडिमा की ग्रेडिंग होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ पिटिंग इडिमा, अगर पिटिंग इडिमा है और मोस्ट ऑफ द इडिमा क्या होता है, पिटिंग होता है, पिटिंग इडिमा ग्रेडिंग, ये 0 to 4 होता है, कितना होता है 0 to 4। इसमें दो चीज़ देखते हैं, एक तो कितने mm डेप्थ बना, जब यहाँ पे हम नॉर्मल स्किन ये है, यहाँ पे जब वो किए तो कितना mm डेप्थ बना 15 सेकंड बाद, ठीक है, करने के बाद। दूसरी चीज़ है कि कितने सेकंड में वो डिसअपियर हुआ, कितने सेकंड या कितने मिनट में, ये दोनों के बेसिस पे। तो 0 कब बोलेंगे, इडिमा बना ही नहीं, इडिमा था ही नहीं, ठीक है। ग्रेड 1 बोलेंगे, इसको बोलते हैं माइल्ड, ग्रेड 2 को बोलते हैं मॉडरेट, ग्रेड 3 को बोलते हैं मॉडरेटली सीवियर, मतलब सीवियर नहीं, मॉडरेटली सीवियर, और ग्रेड 4 को बोलेंगे सीवियर, ठीक है। तो माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर और सीवियर, ठीक है। अब ये आसानी से याद करो, 2, 4, 6, 8, इसमें माइल्ड में 2 mm का पिट बनेगा, मॉडरेट में 4 mm का पिट बनेगा, मॉडरेटली सीवियर में 6 mm का पिट बनेगा, और सीवियर में 8 mm का पिट बनेगा।
जो माइल्ड होगा वो विद इन 10 सेकेंड डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जो मॉडरेट होगा वो 10 सेकेंड के बाद डिसअपियर होगा, ठीक है। जो मॉडरेटली सीवियर होगा वो 1 मिनट में डिफियर, 1 मिनट लग जाएगा, और जो सीवियर होगा उसको लगभग 2 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल इडिमा हुआ, इडिमा के टाइप, इडिमा उसमें, इससे ज़्यादा आप जनरल एग्जामिनेशन में इडिमा नहीं पूछा। तो इडिमा आपका अच्छे से समाप्त हो, अच्छे से पढ़े और याद करें। जनरल पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फेडनोपैथी। तो लिम्फेडनोपैथी हम लोकलाइज हो सकता है और जनरलाइज हो सकता है, लोकलाइज हो सकता है, जनरलाइज। जनरलाइज तब बोलेंगे जब 2 or more than 2 non contiguous लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो। 2 or more than 2 नॉन, मतलब जैसे मान लो एक यहाँ सब मेंटल है, सब मैंडिबुलर है, तो ये नॉन कॉन्टिग्यूस नहीं है, पास पास ही, एक यहाँ इन्वॉल्वमेंट, एक इग्वाइनल, दो हो गया तब हो जाएगा, ठीक है, जनरलाइज लिम्फ। तो ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, नॉन कॉन्टिग्यूस लिम्फ नोड, ठीक है। लोकलाइज में 2 से कम हो, मतलब एक ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो तो लोकलाइज बोलेंगे, ठीक है, less than 2 लिम्फ नोड, ठीक है। अब उसके बाद मेथड कैसे देखते हैं, ठीक है, लिम्फेडनोपैथी। तो ध्यान देना, मैंने लिखा है फिंगर टिप, कि पल्प ऑफ फिंगर जो होता है फिंगर टिप से देखते हैं, किसे देखते हैं, पल्प ऑफ फिंगर या फिंगर टिप से देखते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो सबसे आइडियल पोजीशन होता है सिटिंग पोजीशन, जैसे मान लो हमारा सबमेंटल देखना है, एक्जिलरी देखना है, ये सारी देखना है, तो सिटिंग पोजीशन होगा। सिटिंग पोजीशन में आप आगे से भी देख सकते हो, लेकिन यूजली क्या करते हैं, बैकवर्ड, पीछे से जाके देखते हैं, ठीक है। तो यह है सिटिंग पोजीशन, ध्यान देना, फिंगर टिप या पल्प ऑफ फिंगर, क्योंकि ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है आपका, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा उसको देखें, ठीक है। अब दूसरा, कौन सी करेक्टिव होते जो नोट करते हैं लिम्फेडनोपैथी में, क्या क्या देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लिम्फेडनोपैथी में 5 इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, उसको एमएस होते हैं हर कॉलेज में, वो करते हो टीएलसी को फ्री कर रहे हैं, MS TLC निमोनिक याद करेंगे। तो पहला एम से है, मैटेड है कि नॉन मैटेड है। मैटेड का मतलब मान लो 3 लिम्फ नोड है आपस में, वो सेपरेट नहीं है, ठीक है, आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन या जो भी कारण। ये बहुत ही करेक्टिव फीचर था टीबी। टीबी में जब आप लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन करेंगे तो मैटेड हो गए, आप सेपरेट फील नहीं कर पाओगे, आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। नॉन मैटेड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है साइज, ठीक है। साइज में क्या होगा, साइज के लिए एक टर्म यूज होता है सिग्निफिकेंट लिम्फेडनोपैथी। कब बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट लिम्फेडनोपैथी, तो उसके लिए अलग अलग लिम्फ नोड के लिए अलग अलग साइज है, सिग्निफिकेंट लिम्फेडनोपैथी, ठीक है, अलग अलग साइज के लिए अलग अलग। तो 0.5 सेंटीमीटर व उससे ज्यादा, 0.5 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा इपीटोक्लियर और सबमेंटल। इपीटोक्लियर ये जो एल्बो है यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, ये तुम्हारा इपीटोक्लियर लिम्फ नोड यहाँ पर होता है। सबमेंटल है जो तुम्हारा जहाँ पे दोनों साइड के जा जुड़े होते हैं बीच में, ठीक है, ये एकदम मिड पोर्शन पे होता है, ठीक है, उसको बैक से कैसे देखते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो 0.5 से 2 याद करना है, इपीटोक्लियर सबमेंटल, 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है सबमेंडिबुलर। सब मैंडिबुलर जो मिड होता है इसके इस साइड में, ठीक, मिड पे सब मेंटल होता है, इसके इस साइड में सब मैंडिबुलर होता है, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर और इंग्वाइनल, इंग्वाइनल जो यहाँ पता है, तो इंग्वाइनल और सब मैंडिबुलर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट लिम्फेडनोपैथी, ठीक है। 1.6 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा प्री और पोस्ट एओर्टिक और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, ठीक है, जिसको आप क्लिनिकली पालपेट नहीं कर सकते, आपको अल्ट्रासाउंड पे देखना होगा, क्योंकि ये एब्डोमेन के अंदर होते हैं, उसको पालपेट नहीं करो, कैसे देखते हैं इसको, यूएसजी एब्डोमेन करेंगे, यूएसजी एब्डोमेन, ठीक है, यूएसजी एब्डोमेन प्री और पोस्ट एओर्टिक या मेजेंटिक लिम्फ नोड की साइज 1.6 सेंटीमीटर,
रेस्ट जो बचा है एक सेंटीमीटर से ज्यादा, जितने बचे हैं सबका एक सेंटीमीटर, तो आपको सबको याद रखना एक सेंटीमीटर से ज्यादा सिग्निफिकेंट है, 1.6 कौन है, 1.5 कौन है, 0.5 से ज्यादा कौन है, दो इसके हैं, दो इसके हैं और दो इसके हैं, प्री एंड पोस्ट योरिटी दोनों एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो दो इसके दो दो को याद करना, बाकी सब जो बचे हैं रेस्ट एक सेंटीमीटर से ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए। तीसरा चीज है लोकेशन, लोकेशन जैसे ये हुआ सबमेंटल सबमेंडिबुलर, ठीक है, सबमेंटल सबमेंडिबुलर ये प्री आर्टिकुलर पोस्ट आर्टिकुलर सबमेंटल, ठीक है, ये हमारा क्लेविकल है, तो क्लेविकल ने इन्फ्रा क्लेविकुलर, इसके ऊपर सुब्रा क्लेविकल, ठीक है, ये तुम्हारा एक्जिलरी हो जाएगा, जहाँ मैंने इपीटोक्लेयर बता दिया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एब्डोमेन में प्री पोस्ट एओर्टिक और मेजेंट्री इंग्वाइनल पोपलिकल, तो आपको चाहे कहीं कहीं दिया होगा कि हेड नेक में, हेड नेक में तुम्हारा क्या हो जाएगा प्री पोस्ट आर्टिकुलर ऑक्सीपिटल, ठीक है, सबमेंटल सर्वाइकल, छोड़ दिए सर्वाइकल हो गया, ठीक है, तुम्हारा सुप्रा क्लेविकुलर इन्फ्रा क्लेविकुलर। अब अपर लिम में क्या हो जाएगा एक्जिला अपर लिम, एक्जिलेरा एक्जिलरी और इपीटोक्लेयर, ठीक है, उसका ट्रंक में क्या हो जाएगा प्री एंड पोस्ट एओर्टिक और मेजेंट्रिक, ठीक है, लोअर लिम में क्या हो गया इंग्वाइनल और पॉपलिटियल, ठीक है, तो इतने लिम्फ लोड हो जाते ये बताएगा क्या लोकेशन में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा इंपोर्ट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी अगर फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग आप दे रहे हैं एकदम फ्लक्चुएटिंग, जैसे पस नहीं होता पस टाइप फ्लक्चुएटिंग है, तो सुपुरेटिव मतलब कि पस फॉर्मेशन हो गया लिम्फ नोड में, समझ रहे ना, अगर सुपुरेटिव है उसका कंसिस्टेंसी सुपुरेटिव, इसका मतलब पस फॉर्मेशन हो गया। दूसरा है सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट जो होता है वो इन्फेक्शन को बताता है, क्या बताता है इन्फेक्शन को, अगर इन्फेक्शन होगा तो सॉफ्ट होगा। दूसरा होता है फर्म एंड रबरी, फर्म रबरी ये क्या बनाएगा लिम्फोमा, लिम्फोमा जो लिम्फ नोड का ट्यूमर होता है लिम्फोमा में कैसा होगा फर्म रबरी होगा और स्टोनी हार्ड होगा, अगर स्टोनी हार्ड कंसिस्टेंसी होगा तो ये कैंसर को बताता है, कैंसर कार्सिनोमा मेटास्टेसिस या कैंसर मेटास्टेसिस होगा, एकदम स्टोनी हार्ड होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी में चार है, फ्लक्चुएशन है मतलब सुपुरेशन पस फॉर्मेशन हुआ है, सॉफ्ट है इन्फेक्शन हुआ है, कि फर्म रबरी है इसका मतलब लिम्फोमा था, स्टोनी हार्ड अगर है तो कैंसर के कारण है, ठीक है, ये तुम्हारा। अब कैसे देखते हैं कौन सा, जैसे मैंने बताया हमारा पेशेंट है, कंसर्न लेंगे, प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करेंगे सारा चीज़, राइट साइड खड़े होंगे पहले राइट साइड, उसके बाद सब कुछ करने के बाद सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है बैक से, ठीक है, आप फ्रंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है मान लो इसको फ्री आर्टिकुलर देखना है यहाँ पे, ऐसे हमेशा ऐसे ऐसे करते हुए फील करते हैं, ठीक है, सारा चीज़ नोट करें, पोस्ट आर्टिकुलर यहाँ कर दिए, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सब ऑक्सीपिटल ऑक्सीपुट है इसके नीचे कर लिए, ठीक है, उसके बाद सब मेंटल देखना एकदम मिडिल में, ठीक है, यहाँ पे उसको फिंगर रोल करते हुए देख लिए, ये तुम्हारा इधर सब मैंडिबुलर, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सर्वाइकल देख लिए रोल करते हुए, ठीक है नहीं इसका सुप्रा क्लेविकल इंफ्रा। अब ध्यान देना जब तुम एक्जिला करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे 90 डिग्री होगा एबडक्शन, 90 डिग्री एबडक्शन होगा, ठीक है, 90 डिग्री एबडक्शन, उसके बाद सीधे जाएंगे आप अंदर, ठीक है, इसको अंदर जाके यहाँ पे थ्री फिंगर से फिल करेंगे। अब इसमें सेंट्रल लेटरल ये सब होगा, इस साइड फिल के फिर इस साइड गए, चारों साइड में घूम घूम के इसको कर लेंगे, हम सेंट्रल लेवल को बताएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, ये कर लिए। उसके बाद आप प्री पोस्ट एओर्टिक नहीं कर पाएंगे, इंग्वाइनल हम करके नहीं दिखा रहे हैं, बहुत आसानी सबसे बड़ा होता है यहाँ पे करके इस तरह से रोल करके फिल कर लें, पॉपलिटियल को इस तरह से पल्स देख रहे तो उसमें ऐसे करके फिल कर लेंगे, ठीक है। तो आपका यह हेड टू लिम्फेडनोपैथी में क्या क्या देखना है, कैसे करना है, मैथड क्या क्या नोट करते हैं, कैसे क्या सिग्निफिकेंट है, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। करेक्टर नोटेड में एक पॉइंट छूट गया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, टेंडरनेस, टेंडरनेस इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को बताता है, अगर वो छूने पे पेनफुल कंडीशन हो रहा है वो छूने नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, सुपुरेशन होता है या इन्फ्लामेटरी है, तभी आपको टच करने रहा है, तो टेंडरनेस भी देखते हैं। तो पांच चीज़ें देखते हैं, मैटेड है कि नॉन मैटेड है, साइज क्या है, साइज मैंने बता दिया, टेंडरनेस इन्फेक्शन को बताएगा, लोकेशन कहाँ पे है पूरा मैंने बता दिया, कंसिस्टेंसी
ये पांच इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी लिम्फ नोड में देखते हैं। मेथड कैसे, फिंगर टू यूजुअली सेकंड पोजीशन सिटिंग पोजीशन में, और अगर गिला का देख रहे हैं तो 90 डिग्री एब्डक्शन करा के, ठीक है। कौन सा कितना सिग्निफिकेंट, जनरलाइज क्या है। हाँ, इसमें जनरलाइज में भी दो तरीके होता है, एक परसिस्टेंट होता है, एक नॉन परसिस्टेंट। अगर तीन महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो उसको परसिस्टेंट बोलेंगे, अगर तीन महीने से कम है तो नॉन परसिस्टेंट बोलते हैं।